हम अक्सर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के बारे में सुनते हैं। कितने लोग ट्रेडिंग करके लाखों में प्रॉफिट कमा लेते हैं, वहीं कितनों को हजारों का लॉस भी हो जाता है। तो आखिर ट्रेडिंग होता क्या है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है, ट्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं और क्या ट्रेडिंग से रेगुलर इनकम कमाया जा सकता है, आज हम इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे। पहले जानते हैं ट्रेडिंग क्या होता है। दोस्तों, ट्रेडिंग को हिंदी में व्यापार बोलते हैं, जिसका मतलब होता है किसी चीज को खरीदना और फिर उसे ज्यादा पैसे में बेचना ताकि प्रॉफिट हो सके। इसी तरह स्टॉक मार्केट में शेयर्स को बाय करना और फिर जैसे ही उस शेयर की कीमत ज्यादा हो उसे बेचकर प्रॉफिट कमाने को हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कहते हैं। आइए चलते हैं दूसरे सवाल पर, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में हमें शेयर्स को लंबे समय तक होल्ड करके रखना पड़ता है, जैसे 1 साल, 5 साल या 10 साल। लेकिन ट्रेडिंग में हमें शेयर को बहुत कम समय तक होल्ड करते हैं, जैसे 1 मिनट, 1 घंटा या कुछ महीनों तक। इन्वेस्टमेंट में हमें ज़्यादा अच्छी कंपनियों के शेयर को बाय करना होता है, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट में कंपनियों के शेयर को लंबे समय तक होल्ड करते हैं, जबकि ट्रेडिंग में हम बिना कंपनी की डिटेल्स जाने बस कीमत देखकर उस शेयर को बाय करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में हमें बस कीमत के मूवमेंट से मतलब होता है और जैसे ही कीमत ज्यादा होती है हम शेयर को बेचकर प्रॉफिट कमा लेते हैं। इन्वेस्टमेंट में पैसे लंबे समय में बनते हैं पर रिस्क कम होता है, क्योंकि हम अच्छी कंपनियों के शेयर को खरीदते हैं, वहीं ट्रेडिंग में पैसे बहुत जल्दी बन जाते हैं पर यहाँ पर रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि कीमत की मूवमेंट शॉर्ट टर्म में रैंडम होती है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में सबसे बड़ा फर्क नजरिए का होता है। अगर हमने किसी कंपनी को स्टडी करके उसके बिजनेस को समझकर और यह सोचकर शेयर को खरीदा है कि कंपनी लंबे समय में बहुत ग्रो करेगी तो हम इसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और हमने किसी कंपनी के शेयर बिना कंपनी को स्टडी किए बस प्राइस के पैटर्न को देखकर किया है ताकि जैसे ही प्राइस ज्यादा हो हम उसे बेचकर प्रॉफिट कमा ले तो हम इसे ट्रेडिंग कहेंगे। दोस्तों, कंपनियों को ध्यान से स्टडी करना और उसके बिजनेस को समझने को हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। और हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है, पर अगर हम बस कंपनियों के शेयर के प्राइस को स्टडी करते हैं और उसके पैटर्न को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं तो हम इसे टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। और हमें ट्रेडिंग करने से पहले शेयर का टेक्निकल एनालिसिस जरूर करना चाहिए। आइए अब चलते हैं तीसरे सवाल पर, ट्रेडिंग के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग में बेसिकल 4 प्रकार होते हैं। पहले प्रकार में ट्रेडिंग को हम स्कैल्पिंग कहते हैं। इस तरह के ट्रेडिंग में हम शेयर को कुछ मिनट के लिए बाय करते हैं और जैसे ही प्राइस थोड़ी सी भी ज़्यादा हो हम उसे बेचकर प्रॉफिट कमा लेते हैं। दूसरे प्रकार के ट्रेडिंग को हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। इस तरह की ट्रेडिंग में हम शेयर को कुछ घंटों के लिए रखते हैं और उसी दिन मार्केट बंद होने से पहले शेयर को सेल करके प्रॉफिट कमा लेते हैं। अब तीसरे टाइप की ट्रेडिंग को हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। इस तरह की ट्रेडिंग में हम शेयर को कुछ दिनों तक होल्ड करते हैं और 1 या 2 वीक के अंदर शेयर को सेल करके प्रॉफिट कमा लेते हैं। और चौथे टाइप के ट्रेडिंग को हम पोजीशन ट्रेडिंग कहते हैं। इस तरह के ट्रेडिंग में हम शेयर को कुछ वीक से लेकर कुछ महीनों तक होल्ड करते हैं और फिर उसको सेल करके प्रॉफिट कमा लेते हैं। दोस्तों, अब हम आ गए अपने आखिरी सवाल पर, क्या ट्रेडिंग से रेगुलर इनकम कमाया जा सकता है। दोस्तों, ट्रेडिंग से रेगुलर इनकम कमाना बिल्कुल पॉसिबल है पर आसान नहीं है। ट्रेडिंग से रेगुलर इनकम कमाने के लिए हमें सबसे पहले पैसे की जरूरत होगी, क्योंकि ट्रेडिंग में अगर हम प्राइस की मूवमेंट से अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो हमें ज्यादा शेयर लेने पड़ेंगे, जिसके लिए हमें ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। पैसों के साथ साथ हमें टेक्निकल एनालिसिस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम प्राइस के पैटर्न को समझ सके और सही टाइम पर शेयर को बाय या सेल कर सके। इसके साथ साथ हमें लॉस को कम से कम रखने के लिए स्टॉप लॉस को समझना होगा। और दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है कि लगातार अपनी गलतियों से सीखना और हार ना मानना, क्योंकि हर सक्सेसफुल ट्रेडर कामयाब तभी होता है जब वो लगातार अपनी गलतियों से ट्रेडिंग को अच्छा बनाता जाता है। तो अगर आप भी एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इन सारे पैटर्न को अच्छे से फॉलो करें। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो ट्रेडिंग के ऊपर। इसमें हमने जाना कि ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है, ट्रेडिंग के कितने प्रकार होते हैं और क्या ट्रेडिंग से रेगुलर इनकम कमाया जा सकता है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे आगे आने वाले वीडियो मिस ना हो इसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।